हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसमें हम आपको डॉग्स के बारे में तरह तरह की जानकारियां देते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आती हो तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डॉग्स की शेडिंग को कैसे मैनेज करना है, ये क्यों होती है, कितनी बार होती है और किन किन समय में ये ज्यादा होते हैं और इसे कैसे कम किया जाए। और हम अपने डॉग की शेडिंग करके भी आपको दिखाएंगे कि शेडिंग कैसे करनी चाहिए ताकि आप इसे इफेक्टिवली मैनेज कर पाए। दोस्तों तो वेलकम बैक। तो हम आपको बताएंगे कि डॉग्स की शेडिंग क्यों होती है। डॉग्स की जो शेडिंग होती है दोस्तों, वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। तो बहुत सारे डॉग्स के डबल कोट्स होते हैं, जैसे लैब्राडोर हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, इनकी डबल कोट्स होती है। तो ये लोग मोस्टली साल में दो बार ये लोग हेवी शेडिंग करते हैं। दो बार कौन कौन सा महीना होता है, जैसे ये ऑटम हो गया जो अभी चल रहा है, सितंबर अक्टूबर का महीना, इसमें ये हेवी शेडिंग करेंगे। और दूसरा महीना हो गया स्प्रिंग का, जो मार्च अप्रैल के समय जो समय होता है, उसमें भी ये लोग हेवी शेडिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं ये हेवी शेडिंग? इसलिए करते हैं क्योंकि जस्ट जो विंटर आने वाला होता है, जैसे अभी ऑटम है तो ऑटम के बाद विंटर आने वाला होता है, तो विंटर में इन्हें नेचर ने इस तरीके से बनाया है इन्हें कि ये लोग अपनी विंटर से अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। तो इनके जो समर कोट होते हैं वो अभी गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं और विंटर कोट आते हैं, जिससे इन्हें गर्म रखने में, विंटर के महीनों में इन्हें गर्म रखने में इन्हें आसानी होती है। ठीक उसी तरीके से गर्मी से जस्ट पहले, समर से जस्ट पहले जो स्प्रिंग का मौसम आता है, उसमें इनके विंटर कोट जो होते हैं वो गिर जाते हैं, वो शेड हो जाते हैं और उसके जगह पे समर कोट आते हैं, लाइटर कोट आते हैं, जो इन्हें समर में इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होती उससे। और ये लोग नेचर ने इन्हें ऐसा बनाया है कि इन्हें किसी भी मौसम में इन्हें परेशानी ना हो, तो इसलिए जो है सो इनकी शेडिंग होती है। तो हमें इनकी शेडिंग को कैसे कम करना है, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो एक बात आप जान लीजिए कि डॉग्स की शेडिंग को आप बंद नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी दवाई नहीं आती है कि आप जो है सो उसे खिला दें और उसकी शेडिंग बिल्कुल बंद हो जाए। इसे हमें ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और काफी कॉमन प्रोसेस है। तो हम आपको बताएंगे कि डॉग्स की शेडिंग को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये एक, इसे फर्मिनेटर कहते हैं, आप देख सकते हैं, इसे मैंने अमेजन से मंगाया है, ये करीब 500 रुपए की आती है, तो इसे आप ले सकते हैं। और इससे जो है इसे काफी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो आप नॉर्मल महीनों में, जो कि स्प्रिंग और ऑटम को छोड़ दे, तो नॉर्मल महीनों में आप 2 से 3 या 3 से 4 दिन पर आप इसकी शेडिंग मैनुअल शेडिंग करें, और स्प्रिंग और ऑटम के महीनों में इन्हें रोज रोज शेडिंग करने की, मैनुअल शेडिंग करने की आपको रोज जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों महीनों में काफी ज्यादा शेड करते हैं। मैं आपको न्यूटन की शेडिंग करके भी दिखाऊंगा इससे, और आप देखेंगे कि इसकी कितनी ज्यादा शेडिंग होगी अभी और कितने ज्यादा इसके फर निकलेंगे। तो जितने ज्यादा फर निकल रहे उतनी अच्छी बात है, आपका घर कम गंदा होगा।